राज्य में पिछले 12 दिनों से ठंड की स्थिति काफ़ी ज़्यादा भयावह होती जा रही है। मौसम विभाग लगातार इसको लेकर के जानकारी भी दे रहा है। बिहार जो लगातार उच्च गलन दबाव के प्रभाव के कारण ऐसी स्थितियां हो रही हैं, लगातार ऐसी स्थितियां बनने के साथ ही साथ मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने कहा है कि अभी 17 जनवरी तक स्थितियाँ सामान्य नहीं होंगी, और साथ ही साथ उसने मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि अभी आने वाले दिनों में और ठंड पड़ने के आसार हैं। हालांकि राजधानी पटना में पिछले 2 दिनों से दोपहर के समय में धूप तो निकल रहा है, लेकिन पछुआ हवा के कारण कनकनी जो है वो बढ़ी हुई है। मौसम विभाग के अनुसार बिहार के 17 ज़िलों में हाई अलर्ट जारी किया गया है। बिहार के 17 ज़िले ऐसे हैं जिसमें 14 जनवरी तक स्थितियां जो है वो नहीं सुधरेंगी। कई ऐसे ज़िले हैं जहां पे धूप निकलेंगे, लेकिन बिहार के 17 ज़िलों में हाई अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। आपको बताएं कि डॉक्टरों के अनुसार इस ठंड की वजह से जो ब्लड प्रेशर के लोग हैं, जो हाई जो शुगर के रोगी हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा समस्याएँ हो रही हैं। ब्रेन हेमरेज भी काफ़ी लोगों का हो रहा है। PMCH में कल एक आंकड़ा आया है कि ठंड की वजह से ब्रेन हेमरेज में मरीजों में काफ़ी इजाफा हुआ है, और वहाँ पर अधिकतर मरीज जो हैं वो ब्रेन हेमरेज के आ रहे हैं, और वहाँ पर बेड जो है वो फुल हो चुका है। तो स्थितियाँ ठंड की वजह से काफ़ी दर्दनाक होती जा रही हैं। मौसम विभाग ने चेताया है कि आप गर्म कपड़े पहने, और जो हार्ट के पेशेंट हैं साथ ही साथ जो शुगर के पेशेंट हैं, उन लोगों को सबसे ज़्यादा एहतियात बरतने की काफ़ी ज़रूरत है। इधर ठंड के कारण ट्रेन का परिचालन बाधित हो गया है। ट्रेन की कई ट्रेनों में समय सारणी में बदलाव किया गया है। साथ ही साथ कई ऐसे ट्रेन हैं जो अगले ही एक हफ्ते के लिए उन्हें कैंसिल कर दिया जा चुका है। दिल्ली से चलने वाली ट्रेन है, उत्तर प्रदेश से चलने वाली ट्रेन हो, या फिर बिहार के तमाम ज़िलों में चलने वाली ऐसी ट्रेन है जिनके समय सारणी में बदलाव हो चुका है, यानी कि वो काफ़ी लेट चल रही है। साथ ही साथ बंगाल जाने वाली ट्रेन, रांची जाने वाली ट्रेन, इन ट्रेनों में काफ़ी ज़्यादा समय में बदलाव हो चुका है। अब अगले 48 घंटे के बाद मौसम की स्थितियां थोड़ी बिहार की राजधानी पटना में बदल सकती हैं। हालांकि राजधानी पटना में 2 दिनों से मौसम थोड़ा सा सुधरा हुआ है, क्योंकि धूप निकल रही है, लेकिन धूप निकलने के साथ साथ दोपहर 3 बजे के बाद पछुआ हवा ने कनकनी बढ़ाई है। रात के समय में पारा लगातार लुढ़का हुआ है। रात में लगातार जो स्थितियाँ हैं ठंड की वो काफ़ी ज़्यादा भयावह हो गई हैं। तो अभी ठंड से राहत नहीं है। कई ज़िलों में स्कूल खुले हुए थे, लेकिन DM के आदेश के बाद वहाँ पे स्कूलों को बंद किया जा चुका है 14 जनवरी तक। तो 14 जनवरी तक अभी मौसम में कोई नमी नज़र नहीं आएगी, मौसम में कोई बदलाव नज़र नहीं आएगा। पारा लगातार गिरता हुआ नज़र आ रहा है। 14 जनवरी के बाद अब देखने वाली स्थिति होगी कि मौसम विभाग क्या अपडेट देता है। लेकिन ये भी खबर आई थी जो हमने कल ही चलाया था कि 17 जनवरी के बाद भी ठंड कम नहीं होगा, यानी कि मार्च तक ऐसी स्थितियां बनेंगी, ऐसा मौसम विभाग का लगातार कहना है। लगातार ये अपडेट आ रहा है कि मार्च तक इस साल ठंड की अनुभूति होती रहेगी, और मार्च के बाद से स्थितियां ठंड के सुधरेंगे। तो जो भी मरीज हैं ब्लड प्रेशर के, शुगर के, हार्ट अटैक के, उन्हें काफ़ी ज़्यादा एहतियात बरतने की काफ़ी ज़रूरत है, और वो स्वस्थ रहें, गर्म कपड़े पहने, हो सके तो अलाव का व्यवस्था करें, अलाव तापे, और गर्म खाने ज़रूर खाएं। फिलहाल के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी तमाम अपडेट्स हम आपको लगातार देते रहेंगे। इस वीडियो में इतना ही। आप जुड़े रहिए द बिहार टॉक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।